सीधी से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजेश शर्मा मेडिकल माफिया के सवाल को घुमाते नजर आए। उन्होंने साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने भाजपा से इस्तीफा नहीं दिया था। सीधी सिंगरौली से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर सिंगरौली पहुंचे। पत्रकारों ने जब डॉक्टर राजेश मिश्रा से सोशल मीडिया में चल रही खबरों, मेडिकल माफिया व मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय सोशल मीडिया पर दिए गए भाजपा से इस्तीफे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप ठीक से अध्ययन करिए, हमने इस्तीफा नहीं दिया था। वहीं मेडिकल माफिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सब गलत है, हमने कई मेडिकल कैंप लगाए हैं। कुल मिला के वो इस बात को घुमा गए। उन्होंने 2014 से बनी मोदी सरकार का गुणगान किया और कहा कि मोदी सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, आगे भी देश में मोदी सरकार बनेगी। आपने पढ़ा नहीं था ठीक से, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, मैं जो काम कर रहा था उसको मैंने छोड़ा, पद से मैंने कभी अपने दायित्व से मतलब भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा कभी नहीं दिया, पहले तो इस चीज को आप बताइए। दूसरा जो है, जहां तक आपने मेडिकल माफिया किया है उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करें लोग बात। अरे हम तो आज से कितने वर्षों से हम काम कर रहे हैं, हम पता नहीं कितने फ्री कैंप किए हैं, आप लोग सीधी सिंगरौली के लोग हैं, हमने 25-25 हज़ार लोगों का फ्री कैंप किया है गिजवार में और टिकरी में, और उसमें सीधी और सिंगरौली दोनों जिले के लोग गए हुए थे। क्या वो आप लोगों ने नहीं देखा था? उन लोगों को भी देखना चाहिए जो इस तरीके से बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे कुछ अनवांटेड लोग हैं जो समाज को विकसित नहीं होने देना चाहते हैं, वो इस तरीके की बात करते रहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।